मेगा हेल्थ कैंप और इसका इंतजार हर साल करते हैं वह पेशेंट जो इसमें एक बार भी आ गए हैं। 7 साल से लगातार किया जा रहा है और यह मेगा हेल्थ कैंप दिन पर दिन गरीबों की सेवा और पेशेंट की सेवा में अपनी नाम इतिहास में लिखा जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी योगदान उस टीम का जाता है जिन्होंने यह सोच आगे बढ़ाया है, और उसी के टीम में डॉक्टर राजेश ठाकुर जी हैं और उनके साथ पूरी फैमिली, और इनके फैमिली में पूरा डॉक्टर ही डॉक्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि मेगा हेल्प कैंप किसी डॉक्टर के द्वारा किया गया तो उसमें कितनी प्रकार का ध्यान दिया जाता है, मेडिसिन डायग्नोसिस और इलाज के बाद उसका आगे का ट्रेस कि वो इलाज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ राजेश डॉक्टर जी है और उनके साथ पूरे टीम है। तो हम बात करना चाहते हैं कि आज जो मेगा हेल्थ कैंप हुआ, कितने लोगों अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? देखिए, अब तो ये समापन पे जा रहा है और अभी लगभग में 400 प्लस चल गया है रजिस्ट्रेशन। हमारे डॉक्टर की टीम आधी तो अब वो लोग चल गए हैं। कुछ कुछ डॉक्टर्स हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर संजय जौहरी सर हैं, ये यूरोलॉजिस्ट हैं, यूरो के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर पल्लवी हैं, ये पेन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर रोहित झा हैं, ENT। डॉक्टर अक्षय कीर्ति हैं, ये फिजिशियन कम डायबिटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर राजीव शर्मा हैं, फिजिशियन हैं। तो आज सब लोगों का योगदान रहा है। इनके अलावा डॉक्टर पीयूष जैन थे ऑर्थो के, डॉक्टर अजय अग्रवाल कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर मेघा गायनेकोलॉजिस्ट थी, ये लोग अभी, डॉक्टर विवेक केडिया और डॉक्टर अजीत सिंह जो सर्जन थे, डॉक्टर विवेक केडिया आई स्पेशलिस्ट। तो ये सारा पूरा टीम था, लगभग 12 डॉक्टर्स थे पूरी टीम में जिन्होंने अपनी सेवा दी है। और सुबह से ही ये 8 बजे से 8:30 बजे से ही कैंप चल रहा है और उसमें मरीजों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसका सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, आपके माध्यम से बहुत लोगों को अवेयरनेस हुआ इस कैंप के लिए और वो लोग इसमें हिस्सा लिए। सर, डॉक्टर साहब, देखा जाए कि डॉक्टर का समय बहुत कम होता है, एक सेकेंड एक एक मिनट होता है, और उस एक एक मिनट में आप लोग वेलफेयर में काम कर रहे हैं। आपके साथ जो डॉक्टर साथ दे रहे हैं और जो आपके पूरा फैमिली, तो उनको कैसे करके आप बताएं तो वो भी अपने समय निकाल के आते हैं? इसके लिए तो पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे सब डॉक्टर्सों का। हमारे सीनियर लोग भी हैं, हमारे कलीग हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो लोग खुद बताएं कैसे उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। सर, कितना अच्छा लगता है कि एक डॉक्टर अपने पेरेंट्स के प्रति मेगा हेल्थ कैंप कर रहे हैं और उसमें दिन पर दिन उसका बढ़ोतरी हो रहा है, पेशेंट आते हैं और इसका इंतजार करते हैं। सर, देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राजीव ठाकुर एंड डॉक्टर पल्लवी ठाकुर को इस महान काम के लिए बधाई देना चाहता हूँ। ये सच में बधाई के पात्र हैं क्योंकि पिछले 7 साल से इतना मेगा कैंप कर रहे हैं। राजीव ने मुझे कुछ 5-6 दिन पहले इन्फॉर्म किया था, मैंने तुरंत बोला हाँ ज़रूर आएंगे। अच्छा तो सच में लगता है क्योंकि दिन भर तो हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पैसा आता है ही पैसा दे, लेकिन मन की शांति तब मिलती है जब आप कुछ समाज के लिए करते हैं। आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, आपको पैसा तो मिलता है, लेकिन उससे हट के कुछ एक्स्ट्रा जब आप करते हैं तो मन को शांति मिलती है। बस मन को शांति के लिए हम लोग भी आते हैं। चलिए, मन को कैसे सहयोग आप करते हैं सर के साथ? मैं तो परिवार हूँ और मेरी इक्वल जिम्मेदारी बनती है कि मैं डॉक्टर राजीव के साथ इस पे हर साथ जगह कर रह रही हूँ, और जितने पेशेंट्स आते हैं उनका इलाज, दवा, प्लस किस स्पेशलिटी के लिए कौन हमारे सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे बात करके, उनको रिक्वेस्ट करके। तैयारी आप लोग कितना दिन से करते हैं? कि ऑलमोस्ट 10-15 दिन लग जाता है सारा दवाई का इंतज़ाम करने में, फिर डॉक्टर से बात करके, क्योंकि हर किसी का शेड्यूल पता नहीं रहता है। जैसे कि आज भी डॉक्टर विवेक केडिया आए थे, आके डॉक्टर उनको रांची जाना था, फिर भी उन्होंने टाइम निकाला और वो आए हमारे साथ बैठे काफ़ी पेशेंट्स लेके। तो जो सभी जो डॉक्टर इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, पैसा के लिए डॉक्टर काम करते हैं और वह धरती के भगवान भी होते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है कि इस प्रकार का बर्थडे में, अपने पेरेंट्स के जन्मदिन में या अपने शादी का सालगिरह में, ऐसे कोई भी ओकेशन में ऐसा मेगा हेल्थ कैंप करना चाहिए, कितना फ़ायदेमंद होता है?
देखिए इससे हम लोग एक रास्ता दिखाते हैं, बहुत लोग को पता ही नहीं है उनको क्या बीमारी है। आज भी बहुत पेशेंट आए थे जो कि कुछ कंप्लेन और लेके आए थे, उनको एक दिशा मिलता है कि किस दिशा में चल के उनको ट्रीटमेंट कराना है। क्योंकि आजकल जमशेदपुर जैसी जगह में भी इतना ठग है और इतना मिसलीडिंग है कि पेशेंट सही जगह पहुँच नहीं पाते हैं। तो आज हमारा कोई सेल्फ गेन नहीं है, तो पेशेंट के बेनिफिट में हम पेशेंट को गाइड कर रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। तो एक सही राह वो उनको हम लोग दिखाते हैं, उस हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट फिर आगे होती है। एक दिन में तो ऑब्वियसली हम लोग किसी को एकदम ठीक करके घर नहीं भेज सकते, लेकिन एक राह दिखता है मरीज को कि हमें किस राह पे चलने से स्वास्थ्य प्राप्त होगा। सर आप यंग है, और जो यंग जो हेल्थ के प्रति अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि यंग आजकल समय में कैरियर में बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं, पेरेंट्स से दूर रहते हैं, मम्मी पापा से दूर रहते हैं, तो कम से कम घर में मम्मी पापा उनको हर समय बोलते थे कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान, लेकिन अब वो कल्चर ख़त्म हो जा रहा है। तो पेरेंट्स, आप डॉक्टर हैं, उसके लिए पेरेंट्स हैं जो छोटे छोटे बच्चे अभी जॉब के लिए जा रहे हैं, उनको क्या क्या सजेशन देना चाहते हैं सर हेल्थ के ऊपर में? देखिए आज के डेट में सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल हैं, जो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में नहीं थी। आप अभी कोई भी चीज़ एक क्लिक के थ्रू यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो जो आप अपना खाली समय ज़ाया कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक में रील्स देख रहे हैं, तो आप उसी चीज़ को आप एक्टिव चीज़ों में कन्वर्ट करें। जैसे आप बाहर वॉक पर निकल जाएँ, सोशलाइज़ करें, इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया आप लोगों से जा के मिलें, तो एक तरह से आपका एक्सरसाइज हो रहा है, आप चल रहे हैं। घर पर आप योगा करें, आपके पास काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको गाइडेड एक्सरसाइज में भी हेल्प करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक महंगी जिम का सब्सक्रिप्शन लें, आप एक शेड्यूल निकाल के आप रनिंग के लिए जाएं। आप घर पे बैठे बैठे आप यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू आप एक्सरसाइज और अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं। आजकल काफ़ी सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक्स हेल्थ पैकेजेस देते हैं जिसमें आप अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं कि आपको क्या बीमारी है या क्या बीमारी होने की संभावना है। तो आप इस यंग एज से ही उस चीज़ को, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हम कहते हैं, उसको आप एक यंग एज से ही बहुत जल्दी अवॉइड करना शुरू कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर का सजेशन, डॉक्टर का वर्क, डॉक्टर का सोच या मेगा हेल्थ कैंप के लिए आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि आप हेल्थ के प्रति अवेयरनेस रहिए। और डॉक्टर ने जो ओपिनियन दिया है कि पेशेंट अपनी रोग को नहीं ध्यान देते हैं, वह कम से कम अपनी बॉडी का रूटीन चेकअप होता, ब्लड शुगर बीपी कम से कम इसको कम से कम कराए, जिससे क्या होता है कि वह डाटा से डॉक्टर को डॉक्टर को इलाज करने के लिए सहायक होता है, और बड़ी बीमारी अगर किसी कारण पकड़ता तो उसको सेम टाइम में रोकने का भी काम करता है। तो यह मेगा कैंप डॉक्टर साहब के द्वारा हर साल की बात इस बार भी किया गया है, और आप इसका फ़ायदा उठाइए। डॉक्टर साहब के साथ उनके फैमिली डॉक्टर, उनके पूरे परिवार के टीम और भी अनदर डॉक्टर विशेषज्ञ और विशेषज्ञ डॉक्टर इसमें काम कर रहे हैं। और आप इस मेगा कैंप में अगर इस बार नहीं आ सके तो अगले बार जरूर आइएगा। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।